तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की कि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता। इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। और सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, मोदी की गारंटी में भी ये है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी। और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। लेकिन ये आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्तीय वर्ष में जो केंद्रांश छत्तीसगढ़ का था, क्योंकि प्रदेश की सरकार राज्यांश जमा नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्य में आवंटित कर दिया था। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से, और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। और हम लोगों ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात की है तो इसमें 8,46,931 की स्वीकृति तो मिली है। और इसमें SCCC 2011 में से SCCC 2011 जिस सूची के लोग पिछले 5 साल में वंचित हो गए थे और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही वंचित हो गए थे, बाकी सभी प्रदेशों में SCCC 2011 की सूची वाले प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हो गए थे। लेकिन यहाँ की सरकार की निष्क्रियता के कारण या मतलब नहीं करवाने के कारण वंचित हो गए थे। तो आज जो हम लोगों को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है उसमें से 6,99,331 प्रधानमंत्री आवास ये 2011 वाली सूची में से है, और बाकी 1,47,600 1,47,600 ये जो आवास प्लस वाले हैं, आवास प्लस जिस प्रदेश ने SCCC 2011 की सूची वालों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवा दिया तो उनके यहाँ आवास प्लस भी शुरू हुआ।
तो हमारे यहाँ तो SCCC 2011 के लोग ही लाभ नहीं ले पाए थे, तो आवास प्लस का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन आज एक साथ SCCC 2011 का 6,99,331 और उसके साथ ही साथ 1,47,600 ये आवास प्लस वाले हैं, जिनकी भी स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिली है। और बाकी पीएम जनमन योजना जो BBTG लोगों के लिए है, विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, पांडो, बैगा, इनके लिए जो पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बहुत पूर्ण भी हो चुके हैं। और आप लोगों को ये भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया था, जिसमें 47,090 लोगों की स्वीकृति दी थी उन्होंने, और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में शामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्त जारी कर दिए हैं और तीसरी किस्त भी उसमें जारी कर रहे हैं। तो ये उदारता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन 47,090 लोगों के ऊपर में भी किया है। और पिछले जनवरी से लेकर ये अगस्त तक ये 8 महीने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी, वो 18 लाख आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। और जो हमारे नियत नीलानार योजना के अंतर्गत जो जिले हैं, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेर का कुछ एरिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए नियत नीलानार योजना अलग से शुरू किए हैं, आपका अच्छा गांव योजना शुरू किए हैं, और सरकार वहां पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनको 100% पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बहुत विकास भी हुआ है, उसके लिए अलग से हम लोग दोनों हमारे डिप्टी सीएम के साथ जाकर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है भारत सरकार में, उनसे निवेदन किए थे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास आप दीजिए। और अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उनसे भी आग्रह किए थे और सबने हम लोगों की मांग उचित समझा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाएगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि उसके लिए भी 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हमारे नियत नीलानार के जो मतलब जो पीड़ित है नक्सलवाद से, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में मतलब सक्षम होंगे। देखिए वहाँ के रहवासियों के लिए तो ये है ही है जो SCCC 2011 की सूची में है या आवास प्लस में जिनका नाम है, वो तो है ही है, वो क्षेत्र उनसे वंचित नहीं है। लेकिन ये जो नियत नीलानार की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो नक्सलवाद से जो पीड़ित है उनके लिए अलग से। अब ये तो बड़ा दुख का विषय है कि टिकट के लिए उन्हीं के लोग
अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और इतना तक की FIR भी हो रहा है। अब कांग्रेस की स्थिति हो गई है, इस स्तर तक इन लोगों को जाना पड़ रहा है और वैसे भी कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर है ही है, सिकुड़ते जा रही है। अब पुलिस अपना काम करेगी, FIR है तो पुलिस काम अपना करेगी। नहीं, दोनों मिला के 8,46,931 है, आवास प्लस और SCCC 2011। तो SCCC 2011 की सूची पूरी इसमें समाप्त हो जा रही है, अब आवास प्लस में हम लोग को आगे और मिलेगा। सर, जो 18 लाख आवास बनने की बात हम लोग कह रहे थे, आने वाले समय में 5 सालों के और भी आंकड़े बढ़ेंगे, सर्वे होगा और लोगों को आवास मिलेगा, केवल 18 लाख बनाकर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने फिर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की बात कही है, तो ये अंतिम नहीं है, और भी लोगों को आवास का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, पश्चिम बंगाल में बिल पास हुआ है दुष्कर्म को लेकर, आजीवन कारावास और फांसी की सजा, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दुख का विषय तो है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इतनी खुशी की बात है प्रधानमंत्री आवास वाला, तो आज यहीं तक सीमित रहे। बाकी कल आज इतने रहने दीजिए, आज तो फिर कल कल तो विष्णुदेव मुख्यमंत्री जो कि